दोस्तों, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि चोरी करना गलत बात है। चोरी की गई चीज कभी अच्छी नहीं होती, और अगर कभी चोरी करते हुए पकड़े गए तो बेइज्जती अलग से होती है। लेकिन शायद इस मासूम सी घरेलू महिलाओं की तरह दिखने वाली औरतें ये बात हल्के में लेती है और चोरी करने में ऐसी ऐसी तरकीबें निकालती है जिसे देखकर आप हैरान हो जाओगे। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सैम, और आपके फेवरेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए, आज हम आपको कुछ ऐसी महिला चोरों को दिखाएंगे जिनकी चोरी करने का तरीकों देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अनोखा पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि भविष्य में हम आपके लिए ऐसे अनोखे वीडियोज लाते रहें। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि महिलाएं ज्यादातर ज्वेलरी शॉप में चोरी करती हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आप खुद ही देख लीजिए कैसे ये महिला अपनी इयररिंग दुकान को दे देती है, और जैसे ही वो दुकानदार उसे बदलने के लिए ले जाता है, वो महिला दुकान के काउंटर से दूसरी ज्वेलरी चोरी कर लेती है और फिर ऐसे मासूम बनकर बैठ जाती है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं हो, और फिर दुकानदार का ध्यान भटकाने के लिए अपनी दूसरी ज्वेलरी को भी उसे दिखाने लगती है, जिससे दुकानदार को ये लगने लगे कि जो सच में ज्वेलरी बदलवाने ही आई है। दोस्तों, आजकल की महिलाएं भी कितना दिमाग लगाती है ऐसे गंदे कामों के लिए। दोस्तों, अक्सर आपने ये नोटिस किया होगा कि जब लोग चोरी करने जाते हैं तो वो झुंड में जाते हैं ताकि एक व्यक्ति चोरी करे और बाकी लोग आसपास नजर रखें। ऐसा ही कुछ इन तीन महिलाओं ने भी सोचा होगा। सबसे पहले ये महिलाएं शर्ट पैंट की दुकान में जाती हैं और सेल्समैन से पैंट दिखाने को कहती है। जैसे ही सेल्समैन काउंटर पर रखी शर्ट को हटा रहा होता है, वैसे ही मौका देखकर ये लाल सूट वाली महिला एक शर्ट चोरी करके अपने कुर्ते में छुपा लेती है। फिर थोड़ी देर बाद जब एक शर्ट चुरा कर इनका मन नहीं मानता, तब सेल्समैन द्वारा दिखाई गई पैंटों में से अपनी पसंद की एक पैंट ये चोरी कर लेते हैं। और दोस्तों, ये सिलसिला यही नहीं थमता। ये पीले सूट वाली महिला साइड के काउंटर से एक और शर्ट निकालती है और लाल सूट वाली महिला को दे देती है। जैसे ही इनका ये चोरी का सिलसिला खत्म होता है, वैसे ये तीनों दबे पांव दुकान से निकल जाती है ताकि इन्हें कोई पकड़ ही ना सके। दोस्तों, अक्सर हमें गलतफहमी हो जाती है कि जो महिलाएं सूट और साड़ी पहने संस्कारी महिलाओं की तरह दिखती हैं, वो असल में बहुत संस्कारी और समझदार होती हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं ना, तो इस लाल साड़ी वाली महिला की करतूत देखकर शायद आपकी गलतफहमी दूर हो जाए, क्योंकि इन्होंने कोई महंगी ज्वेलरी या कपड़े चोरी नहीं किए, बल्कि बहुत कम कीमत वाले अंडर गारमेंट से चोरी कर लिए। अब दोस्तों, आप ही सोचिए, इतनी छोटी सी चीज के लिए चोरी जैसा बड़ा अपराध करना क्या ठीक है? क्योंकि हमें तो सिर्फ और सिर्फ ये बेवकूफी लगती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब दोस्तों, जरा आप इन महिलाओं को देखिए। इनकी करतूत देखकर आप पक्का अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि इनका बस चले तो ये अपनी साड़ी के अंदर पूरी दुनिया ही चुरा ले। अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा, तो आप खुद देख लीजिए कैसे ये लाल साड़ी वाली महिला कपड़ों का एक बड़ा सा गट्ठर अपनी साड़ी के अंदर ही छुपा लेती है। और फिर इन लोगों की चोरी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि उसके बाद ये हरी साड़ी पहने महिला भी एक बड़ा सा गट्ठर बनाती है और अपनी साड़ी के नीचे छुपा लेती है। अब ना जाने कौन सा डोरेमन का पॉकेट छुपा रखा है इन महिलाओं ने अपनी साड़ी के अंदर, तो कुछ भी आराम से चला जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे विदा लेने का। अगर आपको ये अनोखी वीडियो पसंद आई तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों में भी अवेयरनेस बढ़ जाए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा प्लीज।